हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। मैं दीपिका पटेल हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से बेसिक इंग्लिश बूस्टर डोज के नए लेक्चर के साथ में। आज हम एक और नए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ब के बारे में चर्चा की थी इसके लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग एडवर्ब करने वाले हैं। So without wasting time, let's start the topic. Okay, adverb. Adverb क्या होता है? ठीक है? As the name suggests, adding something to verb. Add verb means add something to verb. क्रिया विशेषण हिंदी में इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। वर्ब के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो इन एडवर्ब के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, so the definition of adverb says an adverb according to the Oxford Learner Dictionary is a word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective and a phrase or another adverb. मतलब ये कहने का मतलब है कि adverb जो है एक तरीके का qualifier है। जिस प्रकार adjective हमने पहले पढ़ा है, एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब यूज किए जाते हैं किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ क्वालिफायर ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो याद करना भी बहुत ही सिंपल और इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। आप एक इतना समझिए, कोई भी एक्शन हो रहा है, वर्ब को लेकर के चलेंगे सबसे पहले। अगर हम एक वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन या इवेंट, राइट। सो कोई भी एक्शन हो रहा है या इवेंट हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके जो जो भी आंसर्स आप दोगे वो सारे आपके एडवर्ब होंगे वर्ब के रिलेशन में। समझ में आ रहा है कैसे? देखिए, फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई क्या बोलना चाहिए, अप्रिसिएशन इवेंट हुआ, ठीक है, कोई सा भी इवेंट हुआ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कब हुआ, ठीक है। एक्शन कब हुआ, तो कब हुआ के क्वेश्चन में जो भी करोगे तो उसके आंसर्स जो आएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम बताएंगे। जैसे किसी एक्शन के कब होने पे हमन क्या बात करते हैं, कोई एक्शन कब हुआ, कब हुआ बोलने से आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, यानी कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। तो ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, कब हुआ हमने पूछा, अब हम पूछेंगे कहां हुआ। कोई एक्शन कब हुआ, फिर कहां हुआ, तो कहां हुआ के रिस्पेक्ट में आप क्या क्या आंसर दे सकते हो, हियर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, अबव, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या बोलना चाहिए, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब हुआ, कहाँ हुआ, तीसरा क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आप किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि वो एक्शन कैसे हुआ, अच्छे से हुआ, गलत तरीके से हुआ, बहुत जल्दी जल्दी हुआ, धीरे धीरे हुआ, तो ये जितना भी कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन का आंसर, हैप्पीली, सैडली, ब्यूटिफुली, ठीक है, लविंगली, स्माइलिंगली, ये जितने भी ly एंडिंग वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है। मैनर ये बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि काम कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि काम कहाँ हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है काम कैसे हुआ, ठीक है, स्लोली, हैप्पीली, हैफजार्डली, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैनर्स के रेस्पेक्ट में आंसर देंगे। तो याद रखेंगे ly एंडिंग वर्ड सारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, ठीक है। देन एडवर्ब्स ऑफ
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार हुआ, ठीक है, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ के रेस्पेक्ट में आप क्या आंसर देंगे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ये भी आएगा, ऑलवेज, समटाइम्स, ये सारे के सारे वर्ड जो किसी भी काम के रिलेशन में ये इस बात का आंसर देते हैं कि वो कब हुआ या कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ, बार बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, कभी नहीं हुआ, हमेशा हुआ, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. देन एडवर्ब्स ऑफ रीजन, अब होगा क्यों हुआ, ठीक है. देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम फिंगर टिप्स में हम लोग याद करेंगे एडवर्ब्स के टाइप्स, ठीक है. सबसे पहले हमने बोला कोई भी एक्शन जो हुआ, कब हुआ, फिर हमने बोला कहां हुआ, फिर हमने बोला कैसे हुआ, फिर हमने पूछा कितनी बार हुआ, अब हम पूछ रहे हैं क्यों हुआ. अब देखो क्यों में बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ही कर रहे हो कि क्यों हुआ, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आ जाएंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे. अब अगर आप पूछते हो कि कोई भी एक्शन क्या बोलना चाहिए, क्यों हुआ, तो क्यों क्वेश्चन पूछोगे तो फिर उसका आंसर बताओगे, है कि नहीं, क्यों हुआ यानी कि इसलिए हुआ, सो यू विल से द रीजन, किस लिए हुआ, तो रीजन बताने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, सिंस, हेंस, दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये सारे एडवर्ब यूज किए जाते हैं टू शो एनी रीजन, तो वो सारे क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, राइट. देन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जैसे मैंने अभी बता दिया, जो क्वेश्चंस अभी तक हम कर रहे हैं वो, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा क्यों हुआ, आपने रीजन बताया इसलिए हुआ, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप ना बोलोगे, राइट. तो अगर हाँ बोले तो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और ना बोले तो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का मतलब क्या हुआ, हाँ बोलने के लिए हम लोग क्या क्या एडवर्ब यूज करते हैं, obviously, ठीक है, absolutely, affirmingly, definitely, certainly, ये सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो आप किसी भी चीज को अफर्म करने के लिए यूज करते हैं, है ना. अफर्म करने का मतलब क्या होता है, जो आपने कहा यस, यस को और उसमें एडिंग ऑन करना है कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको पार्टी में इन्वाइट किया, ठीक है, यू आई हैव अ पार्टी टुनाइट एट माई होम, यू विल हैव टू कम टू द पार्टी, ठीक है, तो आपने कह दिया यस आई कम टू द पार्टी, बट आपके इस यस को, आपके इस कन्फर्मेशन को और आपको इनहांस करने के लिए आप क्या बोलते हो, यस डेफिनेटली आई कम टू योर पार्टी, यस सर्टेनली आई बी प्रेजेंट देयर, ठीक है, एब्सोल्यूटली यस, तो ये जो सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, जो अपने यस को अफर्म करने के लिए, उसको और इनहांस करने के लिए, वो सारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन आ जाएंगे, ठीक है. देन आ जाएगा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन. निगेशन का मतलब क्या होता है, मनाही करना, ना बोलना, है ना, तो निगेशन में क्या आ जाएगा, नो, नेवर, नॉट, ठीक है, नो, नेवर या नॉट अगर कहीं पर भी लगा रहे हैं हम तो दे आर एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, ठीक है. तो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जस्ट फाइव फिंगर टेक्निक में आपका आ जाएगा ये. एडवर्ब क्या क्या है, जिन्हें भी क्वेश्चंस आप वर्ब के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और उनके जो आंसर्स आप दे रहे हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हो, एक्शन, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, एंड देन क्यों हुआ. अब क्यों में बाकी की सारी चीजें रिलेटेड है, क्योंकि क्यों बोल करके आप पहले क्वेश्चन कर रहे हो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, देन आप रीजन बता रहे हो, क्यों का आंसर हुआ रीजन, इसलिए हुआ, तो इसलिए हुआ का आंसर रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन. देन जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, हाँ बोलेंगे तो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, ना बोलेंगे तो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन,
ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप्स है। देखिए टाइप्स आपसे कभी कोई नहीं पूछता है, बट अगर आपको टाइप पता होता है तब आप उसके यूजेज को सही से पहचान पाते हैं। और एक ट्रिक जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, तो एडवर्ब कैसे बनते हैं। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, आप किसी भी एडजेक्टिव में ly ऐड करेंगे तो वो जनरली एडवर्ब्स बनते हैं, राइट। जैसे कि स्लो, स्लो इज एन एडजेक्टिव। अब इसमें आप ly ऐड करो, बन जाएगा स्लोली, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं, जैसे आपने कह दिया हैप्पी, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, व्हेन यू ऐड ly टू दैट इट बिकम्स हैप्पीली। ब्यूटिफुल एज एन एडजेक्टिव, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव में जब हम ly ऐड करेंगे इट विल बिकम ब्यूटिफुली, दिस इज एन एडवर्ब। नाइस, नाइस इज एन एडजेक्टिव, एड ly इट विल बिकम नाइसली, ठीक है। तो देख रहे हैं हम किस तरीके से एडजेक्टिव में ly ऐड करके एडवर्ब बना रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा, जिन भी वर्ड्स के एंड में ly लगा दिखा तुरंत आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो एक एडवर्ब है, ठीक है। एग्जाम में इसी चीज का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, जिन जगहों पर एडजेक्टिव यूज करना होगा वहां वो एडवर्ब यूज कर देगा, और जहां पे एडवर्ब यूज करना होगा वहां वो एडजेक्टिव यूज करेगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए एरर कहाँ पर है, राइट। तो आपको यही चीज पहचानना है कि वो कहाँ यूज होना चाहिए। तो कहाँ यूज होगा, तो देखो एडजेक्टिव हमने पढ़ा, एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफायर ऑफ अ नाउन। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है जिसको क्वालिफाई किया जा रहा है तो वहां यूज होना चाहिए एडजेक्टिव ही। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, उसके अलावा कोई वर्ब है या कोई एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब यूज हो रहा है और उसे क्वालिफाई करने की बात आ रही है, तो उस जगह पे एडवर्ब यूज होगा। सो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब अगर आपने दिमाग में क्लियर रखा, तब फिर आपके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन जो इन पे बेस्ड होंगे दे विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। आप एडवर्ब देखिए, मैंने कह दिया कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन एक सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन क्या होना चाहिए, कैसे वो यूज होना चाहिए सेंटेंस में, उसके बारे में बोल रहा है। तो ये कहता है कि एडवर्ब्स आर यूज विद द वेरी वर्ड इट मॉडिफाइज, जिस भी वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है उसके साथ वो एडवर्ब लगेगा, ठीक है। लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल, ही गेव मी 5 रुपीज, एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही गेव मी 5 रुपीज। अगर हम इनके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने पे आएंगे, सो लेट अस सी व्हाट आर द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही है सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ में देखते चलते हैं अपन, ठीक है। गेव है वर्ब, वर्ब ही है ये, मी ऑब्जेक्ट, और ये साथ ही साथ में अगेन प्रोनाउन, ठीक है। फाइव, ये 5 इस रुपीज के लिए यूज हो रहा है, रुपीज नाउन है और ये 5 एडजेक्टिव है, ठीक है। सो ये हमारा जो स्टेटमेंट था, इसके हम लोगों ने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ही गेव मी 5 रुपीज, उसने मुझे 5 रुपए दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ एक वर्ड ओनली, जिसका मतलब होता है केवल। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल या सिर्फ, जिसे हम कहते हैं केवल या सिर्फ, ठीक है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करें ना, तो ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है एंड एज एन एडवर्ब भी यूज होता है, ठीक है। एक एडजेक्टिव की तरह भी ओनली यूज किया जाता है और किसी एडवर्ब की तरह भी ओनली यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब हमने क्या किया, ओनली हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दिया,
ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। नेक्स्ट हमने ओनली को इधर शिफ्ट किया, ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, ओनली को हमने गेव के साथ लगाया। थर्ड, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, ओनली को हमने इधर और खिसका दिया। अब हमने थर्ड पोजीशन पे ओनली को रखा, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, फिर सेकंड में रखा, फिर थर्ड में रखे, ठीक है। फिर इसको और खिसका सकते हैं, और कैसे खिसका दिए, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, ठीक है, हमने इसको और खिसका दिया, ओनली 5 रुपीज। तो अब देखिए क्या चेंजेस आए, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Can you find the error in these 5 statements? Confused, right? Confused होने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं अपनी अपनी जगह पे। फिर ये चीज डिसाइड होगी कि किसकी बात हम कर रहे हैं, क्या मीनिंग के साथ हम किसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा कि हम उसको कहाँ रखेंगे। पोजीशन ऑफ ओनली, यहाँ पे ओनली जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो किस पोजीशन पे ओनली को होना चाहिए ये डिसाइड करेगा क्या बताना आप चाह रहे हो, यानी कि सेंटेंस से क्या मीनिंग निकल के आने वाली है, ठीक है। मैं सारा कुछ बता देती हूँ। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ही गेव मी 5 रुपीज, उसमें हम लोगों ने किसी मॉडिफायर का यूज नहीं किया है, हमने सीधा और सिंपल तरीके से बोला उसने मुझे 5 रुपए दिए, राइट। अब हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पे ओनली रखा, ओनली ही गेव मी 5 रुपीज, दैट मींस देयर वेयर सेवरल अदर पर्संस, ठीक है, बहुत सारे लोग थे लेकिन बहुतों में से किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने मुझे नहीं दिया, केवल वही एक ऐसा इंसान था जिसने मुझे 5 रुपए दिए। सो ही इज वन अमंग ऑल अदर्स, तो ओनली ही, सिर्फ वही, तो हम यहाँ पर इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। सो दिस ओनली इज यूज एज एन एडजेक्टिव हियर इन द सेंटेंस, राइट। फिर यहाँ पे आगे अगर आ गए, ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, अब यहाँ पर ये गेव है वर्ब, जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, ये बना एडवर्ब। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, ठीक है, उसने केवल मुझे दिया और कुछ नहीं किया, वो चाहता तो और भी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन उसने सिर्फ मुझे दिया और उसके बाद में हो गया उसका काम खत्म। तो इस तरीके से अगर हम बताना चाह रहे हैं कि केवल उसने मुझे दिया और उसके अलावा बहुत सारे और चीजें जो हेल्प वो कर सकता था उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ मुझे दिया, तो हम यहाँ पर इस वर्ब गेव को क्वालिफाई कर रहे हैं, ही ओनली गेव मी 5 रुपीज, ठीक है। नाउ द स्ट्रेस इज ऑन गेव। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, अब यहाँ पे क्या आ गया, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, हियर दिस इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेकिन मीनिंग फिर बदल गई इसकी, कैसे, ही गेव ओनली मी 5 रुपीज, यहाँ बहुत सारे लोग थे लेकिन उन सब में से केवल मैं थी जिसे उसने पैसे दिए, सो लकी आई एम, राइट। तो ऐसा बोलने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं कि उसने केवल मुझे दिया, चाहता तो किसी और को भी दे सकता था बट उसने किसी और को नहीं, उसने सब में से मुझे चुना देने के लिए, तो इस तरीके से ही गेव ओनली मी नॉट एनीवन एल्स, तो यहाँ पे क्या चीज को क्वालिफाई कर रहा है उसको ध्यान रखिए आप, राइट। एंड देन लास्ट वन, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, अब यहाँ पे देखिए ओनली 5 रुपीज, अब यहाँ पर ये जो 5 है ये एक एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए, ठीक है, इस नाउन को, सॉरी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड, दिस इज द एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे ओनली एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है लेकिन फिर मीनिंग बदल गई यहाँ पे, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, केवल 5 रुपए दिए उसने, चाहता तो 5,000 भी दे सकता था, ठीक है, बट ही गेव मी ओनली 5 रुपीज, केवल 5 रुपए दिया उसने, ठीक है। सो देखो किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं उसके साथ एडवर्ब लगाएंगे, क्योंकि एडवर्ब अगर उसके अलावा किसी दूसरे जगह पे यूज हो रहा है तो उसकी पूरी मीनिंग बदल जा रही है। एक वर्ड अगर सेंटेंस में अलग अलग जगह यूज हो रहा है तो
तो यूसेज गलत नहीं है बट मीनिंग चेंज हो जाएगी. सो व्हाट इज द मॉरल? मॉरल इज एडवर्ब्स आर यूज्ड विद द वेरी वर्ड इट मॉडिफाइज. जिस भी वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है उसके साथ लगाना है हमें उस एडवर्ब को और उस एडजेक्टिव को. तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कैसे यूज हो रहा है, क्या मीनिंग के साथ आप यूज करना चाह रहे हैं. ठीक है, आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट अगेन पोजीशन ऑफ एडवर्ब पे बात कर रहे हैं. इसमें कह रहा है व्हेन मोर देन वन वर्ड इज यूज्ड टू मॉडिफाई एनी वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब द सीक्वेंस शुड बी एमपीटी. ठीक है, रूल पढ़ करके नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. देखो एक स्टेटमेंट है ही रोट द लेटर. इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ही रोट द लेटर. अगर हम यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करें या पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. लेट अस सी, यहाँ पे देखो सबसे पहला ही क्या है, सब्जेक्ट है और क्या है, प्रोनाउन है. रोट क्या है, रोट तो वर्ब ही है. द क्या है, आर्टिकल. लेटर क्या है, नाउन. ठीक है, और क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी है. तो ही रोट द लेटर, उसने वो लेटर लिखा, उसने एक पत्र लिखा. अब क्या हुआ देखें, ही रोट द लेटर यस्टरडे. क्वेश्चन हमने लिखा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है लिखने का, लेटर लिखने का काम हो रहा है. हम क्वेश्चन कर रहे हैं कब हुआ ये काम, कब हुआ लेटर लिखने का काम, कब हुआ. तो आपने आंसर दिया कल हुआ, यस्टरडे. द एक्शन ऑफ राइटिंग एंड लेटर हैपेंड यस्टरडे. सो ही रोट द लेटर यस्टरडे, इट इज शोइंग टाइम ऑफ एक्शन. ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है ही रोट द लेटर एट हिज होम. अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कहाँ हुआ. ठीक है, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कब हुआ, दूसरा हमने पूछा कहाँ हुआ, कि उसने लेटर कहाँ लिखा. ही रोट द लेटर एट हिज होम, ये बता रहा है प्लेस को, कहाँ पर हुआ एक्शन, राइट. फिर उसके बाद में ये यहां से बता रहा है ही रोट द लेटर साइलेंटली, यानी कि ये एक्शन कैसे हुआ. तो साइलेंटली हुआ, बिल्कुल चुपचाप हुआ, बिना किसी शोरगुल के हुआ. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो देखो हमने पहले क्वेश्चन किया था ये ही एक एक्शन है लेटर लिखने का काम, हमने कह दिया कब हुआ तो हमारे पास आंसर आया यस्टरडे, हमने पूछा कहाँ हुआ तो आंसर आया एट हिज होम, अब हमने पूछा कैसे हुआ तो आंसर आया साइलेंटली. अब अगर हम तीनों को एक साथ जोड़ना चाहें तो, है ना, तो ये जो रूल है ये वही बताना चाह रहा है कि यदि किसी एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो रहे हो तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए. इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ओनली वाला, वहां हम ये देख रहे थे कि जो भी एडवर्ब है वो उस वर्ड के साथ लगेगा जिसे वो क्वालिफाई कर रहा है. यदि किसी वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ लगेगा, यदि किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो वो उसी एडजेक्टिव के साथ लगेगा, और यदि किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो बिल्कुल वो उसी एडवर्ब के साथ लगेगा जिसे वो क्वालिफाई कर रहा है. तो एक के पे एक वाली बात तो समझ में आ गई थी. ठीक है, अब यहाँ बात ये हो रही है कि वर्ब एक ही है, वर्ब है ये रोट, काम एक ही हो रहा है लिखने का, तो लेकिन ये जो लिखने का काम हो रहा है इसी एक एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग एडवर्ब यूज हो रहे हैं. तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो ये रूल बता रहा है. तो उस कंडीशन में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, जो सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है एमपीटी, एंड एमपीटी मींस एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. ये देखो एमपीटी, तो इसका स्टेटमेंट एक साथ कैसे हो जाना चाहिए, ही रोट द लेटर साइलेंटली एट होम यस्टरडे. एट होम यस्टरडे, तो देखो ये जो है ये आपको बता रहा है
सेंटेंस में एक वर्ड को क्वालिफाई, ये देखो ये है वो वर्ब, क्वालिफाई करने के लिए अगर एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो रहा है तो हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए। आई होप दिस रूल इज पर्टिकुलरली क्लियर टू यू ऑल, राइट। चलिए नेक्स्ट, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इट सेज, ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ यूजेज, कुछ एडवर्ब जिनको हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। सो सी हियर, देयर इज अ वर्ड टू, ठीक है, तो टू को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। टू कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, द मीनिंग ऑफ टू इज मोर देन एनफ। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, बट इन अ नेगेटिव सेंस, बट इन अ नेगेटिव सेंस, यानी कि इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। सो नेगेटिव सेंस में ज्यादा बोलने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब टू का। अगर हमें पॉजिटिव सेंस में बात करनी है, पॉजिटिव सेंस में बताना है कि कोई चीज ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, देन वी यूज द एडवर्ब वेरी विद इट, है ना। कोई भी चीज अच्छी है, इट्स गुड, बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी है, इट्स वेरी वेरी गुड, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इट्स बैड, बहुत ज्यादा बुरा, इट्स वेरी बैड। लेकिन हम लोग नेगेटिव सेंस में अगर कुछ ज्यादा बताना चाह रहे हैं तो हम इस पर्टिकुलर एडवर्ब का यूज करते हैं, टी डबल ओ टू। देखो एग्जाम्पल, शी इज टू अगली, यानी कि इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। शी इज टू अगली मतलब वो इतनी अगली है कि जितनी उसे नहीं होना चाहिए। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज एक्चुअली, देखो न्यूज एक अच्छी है, न्यूज एक बहुत अच्छी है, तो न्यूज इज वेरी गुड। टू गुड टू बी ट्रू मतलब इतनी अच्छी है जितनी की नहीं होनी चाहिए, मतलब उसे देख करके ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इतना सही होगा, राइट। ही वॉज टू वीक टू वॉक, इतना वीक है कि चल भी नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव सेंस में, जितना की नहीं होना चाहिए। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, जो चाय है वो इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, ठीक है। सो द वर्ड टू इज यूज इन नेगेटिव सेंस टू शो मोर देन इनफ। देन नेक्स्ट यूज ऑफ मच, मच भी एक एडवर्ब है जो हम फ्रीक्वेंटली सेंटेंसेस में अपने यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है, एज एन एडजेक्टिव भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि जो मच है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है मच एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडवर्ब क्या होता है, एज एन एडवर्ब मच इज यूज विद कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अगर हम मच नहीं लगाते और हम कहते शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तब हम यहाँ पे क्या कर रहे होते, दो सिस्टर्स हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात होगी, बट अगर हमें कुछ और क्वालिफायर ऐड करना है तो हम बोलेंगे मच मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ में मच यूज होगा। द वेदर इज मच वार्मर टुडे देन यस्टरडे, जो आज का वेदर है वो कल के रेस्पेक्ट में कहीं ज्यादा है, कल के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, ये तो समझ में आ गया, वेदर गर्म है ये तो हमको समझ में आ गया कि कल के रेस्पेक्ट में आज गर्मी है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कल के रेस्पेक्ट में आज बहुत ज्यादा गर्मी है, तब हम यहाँ पे एक एडवर्ब का यूज करते हैं। देन लैक्मे हैज मच मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स देन नाइका, ठीक है, दे आर एक्सपेंसिव बट दे आर मच मोर एक्सपेंसिव, आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे देन यस्टरडे, ठीक है, कल से आज काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। I hope this is clear. Next we will talk about, देखो एक होता है, हमने पढ़ा टू, हमने पढ़ा मच, दोनों को जोड़ के एक होता है टू मच और दूसरा हम यूज करते हैं मच टू, टू मच एंड मच टू दोनों ही यूज होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों के यूजेस में, टू मच इज यूज बिफोर एनी नाउन टू मॉडिफाई इट, वेयर एज मच टू इज यूज विद एडजेक्टिव्स। अगर कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होगा तब हम यूज करेंगे मच टू का, लेकिन अगर कोई नाउन है जिसे हमें क्वालिफाई करना है तब हम यूज करेंगे टू मच का। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, देखो हर फादर पजेसेस टू मच मनी, मनी इज अ नाउन, तो मनी नाउन के साथ में यूज करना है तो हमने यूज किया टू मच। स्टूडेंट्स फेस टू मच डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी इज अ नाउन, नाउन के साथ में
टू मच ऑनेस्टी, ऑनेस्टी देखो नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ में टू मच ऑनेस्टी मेक्स पीपल सफर बैडली. यू हैव टू मच वर्क टू डू, टू मच नाउन के साथ में. तो यहाँ पे जितने भी जगह पे यूज हो रहा है टू मच, सारे के सारे नाउन्स हैं. देन मच टू के भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए. शी इज मच टू जेलस ऑफ हर सिस्टर. यहाँ पे जेलस एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने लगा दिया मच टू. द इंजेक्शन इज मच टू पेनफुल, पेनफुल इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए मच टू. Similarly, the question asked in the exams were much too difficult. That is much too hot. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. Now we'll talk about the usage of ago. एक होता है word ago और दूसरा होता है before. What is the difference in the use of ago and before? तो देखो, ago और before दोनों का मतलब होता है पहले. पहले की बात जो हम कर चुके हैं उसके बताने के लिए हम लोग बोलते हैं अगो भी और बिफोर भी. बट अगो यूज होगा या बिफोर, ये किस बात पे निर्भर करेगा? ये डिसाइड होगा कि हम काउंटिंग कहाँ से चालू कर रहे हैं, हम बैक काउंटिंग कहाँ से चालू कर रहे हैं. अगर मैंने कह दिया 5 years ago, तो 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले की बात हो रही है, तो जो बैक काउंटिंग चालू होगी वो आज से चालू होगी, फ्रॉम 2023 से 2022, 2021, 2020, 2019 and 2018. तो अगर मैंने 5 years ago बोला तो इट वुड कम अराउंड 2017 and 2018 के आसपास में आ रहेगा, 5 साल अगो. तो हमने काउंटिंग आज से पास्ट में गए तो वी विल यूज एगो. लेकिन अगर मैंने बोला बिफोर माई कॉलेज टाइम मतलब कॉलेज टाइम खत्म हो चुका है, तो उस कॉलेज टाइम के पहले, तो हम वहां पे बैक काउंटिंग पास्ट में किसी एक टाइम से और पीछे जाके कर रहे होते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगो इज यूज टू रेफर टू अ टाइम दैट इज इन द पास्ट इन रेफरेंस टू द प्रेजेंट टाइम. हम प्रेजेंट टाइम से बैक काउंटिंग करते हैं तब हम अगो यूज करते हैं. और बिफोर इज यूज टू रेफर टू अ टाइम प्रीसीडिंग द टाइम ऑफ एनी स्पेसिफिक एक्शन और इवेंट. मतलब हम आज से पहले के किसी एक टाइम को बता रहे हैं और उसके पहले का अगर हम टाइम काउंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से पास तक के बीच के टाइम को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले की टाइम को कंसिडर करेंगे, तो उस जगह पे हम बिफोर का यूज करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अगो, लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग हु रूल्ड दिस लैंड. इस तरीके से आप लोग स्टोरीज में सुनते ही हैं. तो लॉन्ग टाइम अगो मतलब फ्रॉम प्रेजेंट टाइम अ लॉन्ग टाइम अगो. ठीक है, Then I came to Raipur exactly 10 years ago. आज से 10 साल पहले, exactly 10 years पहले, today is 2023. So 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 2013. तो 13 में से हम यहाँ पे आए थे. Then the train left a few minutes ago. अभी से कुछ मिनट पहले. I started my work 4 years ago. अभी से 4 साल पहले मैंने अपना काम स्टार्ट किया था. तो इस तरीके से हम लोग अगो का यूज करते हैं. नाउ वील टॉक अबाउट द यूज ऑफ बिफोर. आई यूज टू विजिट दिस रेस्टोरेंट बिफोर आई जॉइंड कॉलेज. मैं कॉलेज जॉइन करने से पहले इस रेस्टोरेंट में विजिट किया करती थी. सो दैट इज अ पास्ट टाइम व्हेन आई जॉइंड कॉलेज. नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज. तो अब मैं वो कॉलेज जॉइन थोड़ी कर रही हूँ. So I am talking about a past event, a particular time in the past, the moment when I joined college, and before that moment, what happened was I used to visit this restaurant. तो किसी एक particular time से पहले हुए किसी action की बात करेंगे, तो हम before का use करेंगे. Sam left minutes before Andrew came in. Andrew जब अंदर आया, उसके कुछ मिनट पहले Sam जा चुका था. Sam चला गया था. ठीक है, when we got talking, I remembered that I had been at school with her 15 years before. ठीक है, पहले जब when we got talking, हम जब बात करना शुरू किए, अब तो हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं. जिस दिन हमने बात करना चालू किया और उस दिन हम लोगों ने एक दूसरे से पूछ के ये पता किया कि हम उसके पहले 15 साल पहले एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, है कि नहीं? किसी से रैंडमली आपकी मुलाकात हो गई और जब आपने उससे बात किया तब आपको पता चला कि अच्छा, मैं तो इस स्कूल से पढ़ी हूँ. फिर वो बोलेगी, अरे वाह, ये तो मेरा भी स्कूल था. तो अच्छा, बताओ कब पढ़े थे? ओके, सो टुडे वी केम टू नो दैट 15 इयर्स बिफोर
वी वर इन कॉलेज और वी वर इन स्कूल टुगेदर, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे. ओके वेरी गुड. तो इस तरीके से बात करना है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में पास से और उसके पहले के एक्शन की बात करनी है. आई वॉज वेटिंग फॉर यू हियर बिफोर गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने से पहले मैं आपका वेट यहाँ पे कर रही थी. अब मैं कॉलेज आ चुकी हूँ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट. तो पास्ट के किसी इवेंट के पहले हुए किसी टाइम को बताना हो तो हम यूज कर रहे हैं बिफोर. आई होप ये वाला चीयर्स बहुत अच्छे से क्लियर है. ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, लगते एक जैसे हैं लेकिन इनके यूजेज में डिफरेंस होता है, बट फिर हम लोग फंस जाते हैं इन्हीं में जब ये वाली चीजें हमें क्लियर नहीं होती हैं. ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की. जो भी चीजें हमने पढ़ा उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हम लोगों ने जो पढ़ा उससे हम क्वेश्चंस बना पा रहे हैं या नहीं. सो साथ ही साथ में आप करते चलिए. आई वुड सजेस्ट व्हाट यू डू इज यू पॉज द वीडियो, पॉज करिए. ठीक है, इसको पहले सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद आप वापस से वीडियो को प्ले करके चेक करिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं. अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी और आप उसको देख लेंगे एंड यू विल नोट इट डाउन, तब पर भी वो नहीं आएगा जो आपके दिमाग खुद के चलाने से आएगा. ठीक है, यू कैन चेक वेयर यू वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो आप वैसा ही करें, प्रैक्टिस करें खुद से, उसके बाद में वापस से चेक करें. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन पहला बोल रहा है ही हैज वॉन्ट यू एंड मी, यू एंड मी टू, शी इज वेरी बिजी, आई सर्च फॉर माई ब्लूटूथ स्पीकर एवरीवेयर इन द हाउस. गणेश डैश टॉक्स टू मी, गणेश सेल्डम टॉक्स टू मी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी. ठीक है, He said, "Don't repeat it again." This man had scolded me once. Please listen to him carefully. The bus has just arrived. Abhishek is not tall enough. Why does Kunal, kya baj gaya? Often yell at her. Often बज गया ना, yes. Often yell at her. Often का मतलब होता है अधिकतर या ज्यादातर. Seldom का मतलब होता है कभी कभी या कम. ठीक है, okay. Then let's move on to next exercise. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, fill in the blanks with suitable adverbs. ठीक है, again you can do the same thing. Take a screenshot, pause the video, solve the exercise. And then come back after solving and check your answers. ठीक है, answers check करिए क्या है. She works hard. Hardly नहीं होगा, hard होगा. Hardly का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, तो hardly नहीं use करते हैं. We use hard same as an adjective also, as an adverb also. My brother dash does any work. अब यहाँ पे आ जाएगा hardly. Hardly यानी कि बहुत कम. The teacher had come. Justly नहीं होगा, just now होगा. Time के respect में हम बता रहे हैं. ठीक है, I could hardly recognize her. बड़ी मुश्किल से पहचान पाई कि वो कौन है. The student was justly punished. जस्ट से बना है जस्टली. ठीक है, देखो ये वर्ड है जस्ट, इसका आप लोगों को एक मतलब पता है अभी, है ना, बट ये वर्ड जस्ट
इसी से बना है जस्टिस, जस्ट से बना है जस्टिस। जस्टिस एक नाउन है, जस्ट एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है न्यायपूर्ण, इसका मतलब होता है न्यायपूर्ण। जस्टिस न्याय है ना, जो जज करता है, जज इज ऑल्सो अ नाउन, जस्ट से बना है। तो फिर यहाँ पे जो बना जस्टली यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से बताना चाह रहे हैं। एंड दिस इज एडवर्ब, समझ में आ रहा है। तो जस्ट, जस्ट नाउ का मतलब होता है तुरंत, अभी, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बट ये मैनर के रेस्पेक्ट में बता रहा है। न्यायपूर्ण तरीके से स्टूडेंट को पनिश किया गया, बेवजह नहीं पनिशमेंट मिली, ठीक है, क्योंकि उस डिजर्व करता था, उसने कोई गलती की है इसीलिए उसे उसका पनिशमेंट मिला। ये इस तरीके को बताने के लिए कर रहे हैं कि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, सजा मिली है उस गलती की जो उसने की है। ये इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं जस्टली। आई होप ये वाली चीज क्लियर है। एज द बॉय केम ही वॉज पनिश्ड, बॉय कैसा आया, बॉय केम लेट, लेट टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एज द बॉय केम लेट, His girlfriend was prettily dressed. Prettily dressed. He seldom or never. Seldom का मतलब होता है बहुत कम, तो कभी कभी या कभी नहीं। Lata can sing much better. देखो comparative degree का लगा है तो comparative degree के साथ हम लगाते हैं much, much better than Asha. He was dash pleased when he heard the news. तो अब देखो, he heard the news और ये please की बकरने की बात कर रहा है, तो it is a positive connotation. तो positive connotation में हम लोग use करेंगे very pleased. अगर हम ये बोल देते कि वो इतना खुश हुआ जितना कि उसे नहीं होना चाहिए था, negative respect में अगर कोई statement बता रहा होता तब हम यूज करते टू का, but the statement is in positive connotation कि he was very pleased, तो इसे हम use करेंगे very. ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपसे बन गई है। देखो जो आप पढ़े हो उसी को ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस आल्सो, द सेम थिंग यू डू, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट बाय योर ओन एंड देन कम बैक टू चेक द आंसर्स, ठीक है। ऐसा करने से आप खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे एंड देन उसको चेक कर पाएंगे कि आप कहाँ पे फंसे। जहां कहीं भी डाउट हो रहा हो, जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो, ऐसा लग रहा है कि आपका दिया हुआ आंसर सही नहीं हो रहा है, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर टू ऑल योर डाउट्स पर्सनली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके रहेंगे मैं उसमें आंसर कर दिया करूंगी, बट देन प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ठीक है। चलो इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्रिस इज मच वेरी स्ट्रॉन्गर टू आशीष। तो देखो मच और वेरी दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है तो इस वेरी का यूज सुपरफ्लूअस है, हम यहाँ पे बोल देंगे क्रिस इज मच स्ट्रॉन्गर टू आशीष, देन इट्स ओके, ठीक है। ही इज नहीं, सॉरी, इट इज टू मच पेनफुल, ठीक है। टू मच का यूज हम कहाँ कर रहे थे, टू मच का यूज हम कर रहे थे जब हम यहाँ पे नाउन यूज कर रहे थे, लेकिन कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले टू मच यूज नहीं होता है, मच टू यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज मच टू पेनफुल। यू हार्डली डू नो वर्क, अब देखो हार्डली इटसेल्फ इज अ नेगेटिव फ्रेज, हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव फ्रेज है, तो इसे बताने के लिए, उसको और एनहांस करने के लिए किसी दूसरे नेगेटिव फ्रेज की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नो का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एनी। यू हार्डली डू एनी वर्क, देन द रेन सडन बिगेन टू फॉल, सडन नहीं होगा, सडनली। आई एम कंपेरेटिवली बेटर टूडे, अब देखो बेटर अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री का शब्द है, तो जब कंपेरेटिव डिग्री का शब्द आपने ऑलरेडी यूज कर रखा है तो वाई द यूज ऑफ कंपेरेटिवली, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऐसा करें, अगर हम कंपेरेटिवली को रखना चाहें तो कंपेरेटिव रखने के लिए हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, आई एम कंपेरेटिवली गुड टूडे,
और अगर हमें बेटर को रखना है तो हम कंपैरेटिवली को हटा देंगे, आई एम बेटर टुडे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इट विल बी करेक्ट। आपको इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर कंपैरेटिवली रखना चाहे तो इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करिए, और इसको कंपैरेटिव डिग्री में रखना है तो कंपैरेटिवली को हटाइए, ठीक है। शी इज टू मच ब्यूटिफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस हर। अगेन ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए टू मच नहीं लगाते, हम लगाते हैं मच टू। All of them work very careful. Very adverb है, ये किसको qualify करेगा? Carefully. Adverb. ठीक है? He is too glad to meet you. ठीक है? Too glad to meet you. Too के साथ too का combination हम तब use करते हैं जब हम किसी भी चीज को negative sense में बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन किसी से मिलना तो positive sense की बात है, अच्छी बात है. So इसको यहाँ पे He is very glad to meet you करना चाहिए, ठीक है। He was very kind to help her, ठीक है। तो यहाँ पे he was too kind to help her. My grandmother died 5 years before. Before नहीं होना चाहिए, यहाँ before नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ago. Okay? ठीक है, 5 years ago, क्योंकि आज से ही हम counting चल रहे हैं, हम वहां पे कोई past का timing नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये भी एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया, यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम हियर। कोई भी आंसर में आपको दिक्कत लगे, ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, प्लीज डू कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर टू ईच एंड एवरी योर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट हुआ है। एडवर्ब टॉपिक को हम लोगों ने डील किया है, बहुत बड़ा नहीं है ये, बस आपको क्विकली रिवाइज करवा दूं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज Adding something to verb, क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है। लेकिन ये केवल क्रिया की ही नहीं, बल्कि मतलब किसी verb की ही नहीं, किसी adjective और किसी adverb को भी qualify करता है, ठीक है। हम लोगों ने इसके 5 types देखे थे, quickly fingertips पे फिर से याद कर लेते हैं। कोई भी action कब हुआ, time कहाँ हुआ, place कैसे हुआ, manner कितनी बार हुआ, frequency then क्यों हुआ, क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, क्वेश्चन पूछे तो आंसर देंगे, तो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स हम लोगों ने देखे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एडवर्ब के यूजेज देखे कि कौन सा एडवर्ब किस फॉर्म में सेंटेंस में यूज होना चाहिए। फिर हम लोगों ने पोजिशन ऑफ एडवर्ब के बारे में चर्चा की थी कि हमें जिस भी वर्ड के साथ क्वालिफाई करेगा उसके साथ हमें एडवर्ब को लगाना है, ठीक है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया, बार बार बता रही हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। मिलेंगे हम अगले हफ्ते अगले लेक्चर सीरीज के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।